40 सीटों पर ऐलान है खगड़िया, जो कि एलजेपी के खाते में गई है सीट। खगड़िया को छोड़कर सभी जगहों के लिए 39 जगहों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़े जो हैवी वेट सीट्स हैं उन पर अगर आप नजर डालिए, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद के कंधे पर और वहां से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा। ये देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय उन्हें पहुंचा दिया गया है। नवादा छोड़कर बेगूसराय पहुंचाने के पीछे वजह क्या रही, समझना चाहेंगे आपसे संजय बयूक साहब। भूमिहार वोट देख के किया या नवादा में गुस्सा देख के किया? संजय जी, नहीं नहीं, कोई गुस्सा नहीं है। हमने बार बार आपसे कहा है कि हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं है। हम पूरी तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जगह जगह पर हमने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगाया है और सभी के सभी कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे। शाहनवाज हुसैन को टिकट क्यों नहीं दिया सर? दो राय नहीं है। 8000 वोट से हारे थे पिछली बार, इतनी बार सांसद रहे हैं, पार्टी में प्रवक्ता बन के देखिए, रोज एक एक घंटा बहस करते हैं हम लोगों के साथ। शाहनवाज हुसैन साहब हमारी पार्टी, शाहनवाज हुसैन साहब हमारी पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं। वो देश भर में चुनाव प्रचार में लगेंगे और ये गठबंधन में सीट गई है, इस कारण से वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन निरंतर वह पार्टी का काम करेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब तो चुनाव समिति के भी सदस्य हैं। और ये जो पटना साहिब की सीट अब रविशंकर प्रसाद जी के कंधे पर दे दी है, तो आपने तो दो दिग्गजों को आमने सामने कर दिया। मैं फिर वहां पर जाति के वोट पर नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन ये सच्चाई है बिहार की भूमि की, जाति देखकर ही लोग वोट करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी किस स्ट्रैटेजी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर पाए? अभी आ रही हूं राजीव जी, फौरन इसके बाद। देखिए पटना हो, देखिए बिहार में एनडीए की लहर है और पटना हमारी परंपरागत सीट भी है, तो केवल एक ही व्यक्ति वहां से चुनाव लड़े यह तय नहीं होता है। चुनाव के समय उम्मीदवार बदलते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति का निर्णय होता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी योग्य कार्यकर्ता हैं, निरंतर 74 आंदोलन से लेकर, छात्र राजनीति से लेकर अब तक वो लगातार पटना के काम से जुड़े रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसमें पटना की जनता ने इसका स्वागत किया है जी। अच्छा, स्वागत कर भी दिया, चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं। राजीव त्यागी जी बहुत देर से हाथ उठाने दिखाइए। ये तीन चेहरे बहुत महत्वपूर्ण है, दो का तो टिकट कटा, एक शत्रुघ्न सिन्हा शाहनवाज हुसैन का, लेकिन बदल दी गई है गिरिराज सिंह की सीट। राजीव जी, देखिए मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व से संबित पात्रा को लड़ाया, वो हमारे साथ प्रवक्ता है, हम लोग रोज डिबेट करते थे, तो उसकी प्रसन्नता है। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब का टिकट कटने से मुझे भी अचंभा हुआ, और हालांकि भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है किसका टिकट काटते हैं किसको देते हैं, लेकिन शाहनवाज साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनको कहीं ना कहीं लड़ाना चाहिए था। लेकिन बिहार के विषय में बहुत स्पष्ट अंजना जी मैं कह दूं, जो आपने कहा जाति एक कटु सच्चाई है। देखिए 89 से लेकर के अभी तक देश में जाति और धर्म में कटु सच्चाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैनिफेस्टो पे डिबेट हो, कार्यक्रमों पे डिबेट हो, नीतियों पे डिबेट हो, और निश्चित रूप से क्या कार्य योजना देना चाहती हैं सरकारें और लोगों को, ये बेहतर होगा कि उस पर डिबेट हो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा अपने जेडीयू के साथी से और भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि आपका गठबंधन जो बिहार में है, मैं पूछना चाहूँगा ये बताएं प्लीज़, जब नीतीश कुमार जी कहा करते थे मरते मर जाऊँगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा, और मैं इस बात पर काम कर रहा हूँ कि आरएसएस मुक्त भारत, तो ये नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट हुआ करता था, नीतीश कुमार जी जाकर के आज बीजेपी के साथ हैं। लेकिन बहुत स्पष्ट मैं आपको कहना चाहूँगा, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार को पैकेज मिला? याद करिए अंजना जी, जब प्रधानमंत्री बिहार गए थे तो कहा करते थे भाइयों बहनों 20,000 करोड़ कर दूं, भाइयों बहनों 40,000 करोड़ कर दूं, भाइयों बहनों 70,000 करोड़ कर दूं, भाइयों बहनों 1,00,000 करोड़ कर दूं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। निरंतर मैं सुन रहा हूं ये जो कह रहे हैं उसका उल्टा कह रहे हैं अंजना जी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मैं संजय मयूख जी आपके बीच में नहीं बोला था, मैं एक सेंटेंस कह दूं उसके बाद आपकी बात पे जवाब दे रहे हैं। राजीव जी प्लीज, बारी बारी से सर, 8 मेहमान है मेरे साथ, नहीं लंबा नहीं चल सकता सर। राजीव जी प्लीज, आपने आरोप लगाए जवाब सीधा विषय है ये, इनको बिहार की जानकारी है क्या?
बिहार में जो विकास हो रहा है इनको जानकारी है, इनको डबल इंजन की सरकार का पता नहीं है। नहीं, विकास हमने देखा जिस तरह से घोटाले बिहार में हो रहे हैं, जिस तरह से बाढ़ के लिए आपने 1200 करोड़ मांगे थे और आपको 300 करोड़ मिले, आपने बिहार देखा नहीं है, क्या कहेंगे आप? 22 साल के मित्र को 1 साल में अपनाने का चाहते हैं? एक सेकंड अब बात साहब बोले, सुजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुजीत आ रही हूँ, सुजीत आ रही हूँ आपके पास। अब बात साहब देखिए, अब ये तो आपसे पूछेंगे ही ना। नहीं, देखिए, जब साथ मिलके लड़े फिर आ गए जब सत्ता में तो भाग लिए। लेकिन राजीव जी, जितना भी विकास हो रहा आज के पता लगा लीजिए, जितने फंड रिलीज हुए अभी जो मुझे जानकारी है, तो डेवलपमेंट जितना बिहार में हो रहा है, तो केंद्र ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। 1,15,00,000 करोड़ की जो आप बात कर रहे हैं उसे बहुत पार्शियल, बहुत सा पेमेंट बिहार में आ भी चुका है। सरकार नहीं है। आज पटना में 13,000 समथिंग का मेट्रो स्टेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट है, किसकी गवर्नमेंट में? नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार की मौजूदगी में हो रहा है, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए इस पर आएंगे, अभी तो बहुत लंबी कहानी है ये, क्योंकि आपको पलायन भी रोकना है, बहुत चीजें बिहार से रोकनी है। एक बार सुजीत के पास चलते हैं सीधे। सुजीत, तीन बड़े चेहरे के रूप में हम दिखा रहे हैं, गिरिराज सिंह नवादा से अब पहुंच गए बेगूसराय, शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा, टिकट कट गया शाहनवाज हुसैन साहब का, क्या प्रतिक्रिया वहां पर मिल रही है इस बार सुजीत? देखिए, ये जो आज लिस्ट जारी हुई है उसको लेकर पहले से ही काफ़ी लिस्ट नाम जो थे वो सामने आ चुके थे, जहाँ तक रविशंकर प्रसाद का है। यहाँ पर आर के सिन्हा एक मजबूत दावेदार थे और उनके समर्थकों ने काफ़ी कुछ इस बीच में कैंपेन भी चलाया, लेकिन अंततः जो घोषणा हुई नाम की तो उसमें रविशंकर प्रसाद ही सामने आए। दूसरी तरफ आप देखिए तो शाहनवाज हुसैन की जहाँ तक बात है टिकट कटने से, तो भागलपुर के कार्यकर्ता बीजेपी के वो काफ़ी नाराज थे। उस समय जब ये खबर आई थी, जब ये सीट जेडीयू को चली गई थी, उसी समय पता लग गया था कि शाहनवाज हुसैन को ये टिकट नहीं मिलेगा, तो नौगछिया और भागलपुर शहर के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे की भी पेशकश की। हालांकि ये जो इसी तरह की घटना अब देखिए वाल्मीकि नगर में है, कुछ कम से कम 5 सीटिंग जो MP थे उनका टिकट कटा है JDU को एडजस्ट करने के सवाल पे, तो ये चूंकि सीट बंटवारा पहले हो गया था तो सबको मालूम था कौन कहाँ से लड़ रहा है। नाराजगी है, लेकिन नेतृत्व का कहना है कि इसको हम सुलझा लेंगे, लेकिन आज जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें टिकटों जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है उसमें आप देखेंगे तो BJP ने अपने पुराने चेहरों पर ही ज़्यादा विश्वास किया है। केवल 3 चेहरे नए हैं जो कि परिस्थितिवश नए हुए हैं, जैसे मधुबनी हो गया या दरभंगा हो गया या फिर पटना साहिब हो गया, लेकिन JDU के लिस्ट को देखें तो JDU में 50% से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो नए चेहरे हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के, कोई विधायक है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई डॉक्टर है, तो उस तरह के लोग हैं। और एक खास बात ये भी आ रही है JDU के लिस्ट में कि केवल एक अपर कास्ट को टिकट मिला है JDU की तरफ से, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह एकमात्र जो अपर कास्ट के उम्मीदवार हैं JDU की तरफ से। JDU ने सिर्फ एक अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, मतलब यूं कहें कि पूरे NDA में केवल एक अल्पसंख्यक किशनगंज से चुनाव लड़ रहा है। तो ये पूरी तरह से ये बताने की कोशिश की गई है जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित को लेकर JDU चल रहा है, और जबकि BJP है वो अपर कास्ट पर ज़्यादा फोकस है, कम से कम उसके 9 उम्मीदवार अपर कास्ट से आते हैं। हालांकि अभी भी आप यूँ कहें कि लोक जनशक्ति पार्टी का एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, 9 जो हैं उसमें 5 राजपूत जाति से आते हैं, 2 ब्राह्मण हैं और एक कायस्थ और एक भूमिहार जाति से आते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये सब देखने के बाद महागठबंधन की तरफ से कुछ फेरबदल जरूर किया जाएगा, और उनका जो फोकस होता है जो माई समकरण पे, जो मुस्लिम और यादव के कम्बिनेशन पे, और जो JDU ने जो कम्बिनेशन बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएंगे। अंजना, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें सुजीत आपने बताई है, लगभग पूरी तस्वीर साफ हो गई है। बड़े मायने हम आपको समझा दें, देखिए एक तो शत्रुघ्न सिन्हा का अब BJP से निकलने का रास्ता एक तरफ साफ हो गया है, BJP ने 2-3 चेहरे नए उतारे हैं, वरना बाजी
पुराने ही अपने सांसदों पर ज्यादातर खेला है, उनको इधर उधर किया है, थोड़ा सा शफल जरूर किया है, जिसमें एक तो मधुबनी में अशोक कुमार यादव बीजेपी की तरफ से है, नया चेहरा। दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर जो आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो एक नया चेहरा। यहां रविशंकर प्रसाद पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के लिए निकलने का रास्ता साफ हो गया है। अच्छा, जिसकी बात की अभी सुजीत ने कि अगर बिहार में आप जातीय समीकरण देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। देखिए ये टू विंडो जो है ना, ये लगभग आज की राजनीति को समाहित करता है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, जो यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी सबके साथ मिलकर सरकार को ही कटघरे में लगातार खड़ा कर रहे थे। अगर राजनीतिक रूप से देखिए तो उन्हें शहीद पार्टी नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उनको पार्टी से सीधे निकालने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन टिकट उनका कट गया। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, एक वक्त पर रामलला के वकील रह चुके हैं, उन्हीं रविशंकर प्रसाद को अब पहली बार इस तरह की राजनीति में आना पड़ेगा जहां वो राज्यसभा नहीं, असल में लोगों के बीच जाकर, जिसे कहते हैं मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। और शत्रुघ्न सिन्हा अगर दूसरी पार्टी से वही सीट पर चुनाव लड़ते हैं जैसे कि आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करके यहीं पर चुनावी मैदान में आ सकते हैं, तो सीधा मुकाबला होगा। एक वक्त पर जो दोनों बीजेपी के दिग्गज थे, उन दोनों में सीधी भिड़ंत आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कही है, जेडीयू से अगर आप अगड़ी जाति में देखें तो राजीव रंजन सिंह, जो कि करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, उनको मुंगेर से जेडीयू पर टिकट दिया गया है। लेकिन संजय मयूख जी, इससे पहले कि हम आगे, और एलजेपी का तो उन्होंने पूरा ही एनालिसिस कर दिया कि इस बार अपर कास्ट को बहुत, मतलब एक अलग तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। लेकिन संजय मयूख जी, एक बार फिर से जरा सा भागलपुर का रुख करते हैं, दोनों का रुख करेंगे, पटना साहिब भी भागलपुर भी। भागलपुर में आपने जेडीयू के अजय कुमार मंडल के लिए शाहनवाज जी की बलि चढ़ा दी। देखिए राजनीति में बलि, देखिए राजनीति में बलि नहीं चढ़ती है, ये पार्टी में योगदान होता है। जब पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, कि भागलपुर की सीट जनता दल यू लड़ेगी, तो जनता दल यू के उम्मीदवार हैं। शाहनवाज जी वहां से पहले थे, शाहनवाज जी आगे भी भागलपुर के उम्मीदवार के लिए काम करेंगे, देश के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे। इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन 22 साल पुराना गठबंधन है, केवल कुछ दिनों के लिए हम अलग हुए थे। और जब गठबंधन इतना पुराना है तो उसमें प्रत्येक भाई को लड़ने का अधिकार है, तो उसमें हम सब मिलकर साथ साथ, जहां जनता राष्ट्रीय, मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का 40 का 40 उम्मीदवार, बिल्कुल 77 की बात थी, ठीक है, 77 की पुनरावृत्ति होगी। अंजना जी आप भी बिहार से आती हैं, 1977 की पुनरावृत्ति होगी, हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि हर तरफ से, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे उम्मीदवार चयन का मामला हो, हर मामले में हम अव्वल रहे हैं और हमें बिहार की जनता जिताएगी। जी ठीक है, ये चार चेहरे मंत्रियों के दिखा रहे हैं। एक बार सुजीत एक सवाल आलोक जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, वहां से पूछे आलोक। सुजीत मैं जानना चाह रहा था कि राजीव प्रताप रूड़ी को इसलिए भेजा गया था कि लालू यादव के गढ़ में, खास करके आरजेडी से चुनौती है, उन्हें मंत्रिमंडल से हटा करके इसलिए भेजा गया लगातार कि वो वहाँ काम करें। अब रविशंकर प्रसाद भी वहाँ गए हैं, दोनों एक समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हुआ करते थे। अब ये बात छोड़िए, तो जेडीयू के हाथ में ही ज़्यादा सत्ता है, क्या इससे लालू यादव आरजेडी के इस गठबंधन को, जब लालू यादव खुद शायद मैदान में तो नहीं है क्योंकि वो जेल में है, क्या ये सचमुच में ये जो नया नेतृत्व तो युवा है भाजपा का, और नीतीश कुमार जो जेपी मूवमेंट से, लालू यादव भी निकले और नीतीश भी निकले, क्या ये सचमुच में टक्कर दे पाएंगे? सुजीत मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, रूड़ी और रविशंकर का क्या रोल होगा? रविशंकर को भी युवा में मान रहे हैं क्या? रविशंकर जी को नहीं, पहली बार लड़ रहे हैं, उनके पिता वो, उन्होंने ठाकुर प्रसाद जी ने ही वहाँ बिहार में सबसे ज्यादा काम, एक तरह से बीजेपी को गढ़ बनाया। हाँ। आज उनको मिला, और अभी जो मैं बल्कि सुजीत को करेक्ट करूंगा, आर के सिन्हा नहीं, उनके बेटे के लिए टिकट की कोशिश ज्यादा थी। आर के सिन्हा ये सही है कि राज्यसभा के मेंबर है, उनको डबल दे दिया जाता है, इसके बजाय कोशिश शायद, जहां तक हमारी जानकारी है, उनके इसके बजाय रविशंकर प्रसाद ने पूरा लगातार जोर लगाया था कि इस बार वो लड़ना चाहते हैं। और ये सचमुच में बड़ी चुनौती है, चूंकि आसान खेल नहीं है पटना साहिब, जो पहली बार वो चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। जल्दी से सुजीत जवाब। देखिए आलोक जी, हमारी जानकारी में आरके सिन्हा काफी लगे हुए थे, क्योंकि उनका कार्यकाल जो राज्यसभा का है वो अगले साल समाप्त हो रहा है, तो वो अपने लिए ज़्यादा थे, हालांकि उनके बेटे की भी नाम की चर्चा थी।
और जहां तक पटना साहिब की बात है तो निश्चित तौर पर रविशंकर प्रसाद के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि ये कहा जाता है कि जो पटना साहिब का सीट है वो बीजेपी के लिए बेहद आसान माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए तो जीत जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अगर शत्रुघ्न सिन्हा को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर एक चुनौती देखने को यहाँ पर मिलेगी। दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों आमने सामने जब सुजीत जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, महत्वपूर्ण है, कायस्थ वोट बैंक, उसका एक तरह से सीधा टकराव हम देखेंगे अगर दोनों आमने सामने होते हैं। देखिए कास्ट वोट का जहां तक अभी तक का ट्रेंड देखने में आया है तो उनका झुकाव हमेशा से बीजेपी की तरफ ही रहा है और लगातार ये हमें देखने, अगर 2004 की बात छोड़ दें उस समय रामकृपाल यादव जीते थे आरजेडी के टिकट पे, तब वो समीकरण कोई और था, उसको पटना लोकसभा कहा जाता था और ये पटना साहिब एक जो 2009 से जो नया परिसीमन में सामने आया है उसमें जो कास्ट वोटर हैं वो कहा जाता है कि काफ़ी अगर कहें तो 6 लाख के करीब में ऐसी संख्या बताई जाती है अनुमान के तौर पे। तो ये मतलब एक तरीके से बीजेपी के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए, किसी को भी बीजेपी खड़ा कर दे तो वो जीत जाती है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा चूंकि 2 बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, हालांकि जनता से उनका भी ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा है उन दो लोकसभा की बात करें तो, लेकिन टक्कर उनका जुड़ाव ज़्यादा कभी तेजस्वी के साथ दिखता था, कभी अरविंद केजरीवाल के साथ दिखता था, वो अलग किस्म के एक जुड़ाव में फंस चुके थे। नलिनी जी कुछ बोलना चाह रही हैं जल्दी से, सुजीत बहुत जल्दी से आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो लिस्ट आई है उसमें तो यूं लगता है कि फिर वही जात भी जीत गई और साथ में इस बार देख रही हूँ कि जिनके पास में कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसे वाले जीत गए जिन्होंने पाया अपना उम्मीदवारी, तो क्या आप कहेंगे जो क्या औसतन कितना लगेगा, करीबन 5 करोड़ रुपया पर कैंडिडेट लग जाएगा इस बार छोटा सा जवाब सुजीत जल्दी से या 7 करोड़? अरविंद जी बहुत हंस रहे हैं, इनसे पूछना है, समाजवाद पर अभी लेक्चर दे रहे थे, उससे नीचे बहुत टिकटें दी हैं ये जनता की बात, उससे नीचे ना कहिए कितना करोड़ लग जाएगा और क्या पैसा और जाति जीत गई। सुजीत देखिए नलिनी जी दोनों आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें दोनों का सम्मिश्रण है और ये बात है कि पैसे वालों को जात से खोज के निकाला गया है, ये खास बात जरूर हम कहेंगे जो भी उम्मीदवारों पर हमारी नज़र जा रही है, पैसे का बोलबाला रहा लेकिन जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। आप अगर जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, इनका काफ़ी अच्छा सम्मिश्रण किया गया है। आमतौर पर ये देखा जाता था कि जेडीयू की तरफ से अगर 2014 की बात करें तो उस समय इनको लगता था, मैं लौटूंगी सुजीत लौटूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले सामने हैं, शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट कटा है, शाहनवाज का कटा है, तो इधर गिरिराज को बदल दिया गया है, बेगूसराय पहुंचाकर रविशंकर प्रसाद को इस बार मुकाबला करना हो सकता है इसी पटना साहिब सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा से। किसकी सुनी गई, किसका होगा राज्य, लगातार कवरेज जारी है और हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एनडीए के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से मोर्चा संभालेंगे और कुछ इसी अंदाज में शॉटगन के लिए अब पत्ता साफ, टिकट कट गया, प्रधानमंत्री को घेरते थे, हर मुद्दे पर खिलाफ जाते थे, अगर ईद दिवाली होली भी मनानी होती थी तो तेजस्वी यादव के घर पहुंच जाते थे या कहीं पर मिल लेते थे, अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मंच पर उठाते थे, तो शायद ये तमाम जो बगावती तेवर थे पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया इस बार और रविशंकर प्रसाद को दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ शाहनवाज हुसैन साहब का टिकट कट गया है और गिरिराज सिंह को पहुंचा दिया गया है बेगूसराय। हम लौट रहे, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।